हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अपने चैनल देसी घरेलू ज्ञान पर दोस्तों मेरा IBS कैसे ठीक हुआ, मैंने 3 से 4 वीडियो डाला हुआ है। दोस्तों, बहुत से लोग मेरा वीडियो देख कर मेरठ गए भी और बहुत से लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो सका कि कैसे एक छल्ला पहनने से या चुल्ला पहनने से मेरी नाभि या IBS कैसे ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, जिसको विश्वास नहीं हुआ, मैं उसके लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, उसको विश्वास हो जाएगा। दोस्तों, क्या हुआ कि मेरी वीडियो देखकर बहुत से बंदों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे पास फ़ोन किया और उसके बाद वो मेरठ गए। दोस्तों, उनमें से कुछ बंदे मेरे कांटेक्ट में अभी भी हैं और लगभग 100% ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैंने उनसे वीडियो मांगा हुआ है कि भैया, अगर आपको आराम हुआ है, आप दिल से जहाँ से ठीक हुए हैं बताइए, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि भैया यहाँ से आराम होता है। तो दोस्तों, बंदे ने अपनी फीलिंग को व्यक्त किया। दोस्तों, मेरे पास वीडियो कई आई हैं, लेकिन मैं एक वीडियो में एक ही वीडियो डाल सकता हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग पूरा देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए मैं पहले दिखाता हूँ आपको उस बंदे की वीडियो जो मेरठ से छल्ला पहनने के बाद 100% ठीक हो चुका है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, ताकि आप भी ठीक हो सकें। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत से लोग घूम रहे हैं कि ये साइकेट्रिस्ट, ये मानसिक बीमारी है, जो IBS होता है, जो नाभि किसकी रहती है, दोस्तों ये मानसिक बीमारी है। तो दोस्तों, आप कृपया करके इनके बात पर भरोसा मत करिएगा। ये पहले कहेंगे कि आप मेरे पास कॉल करके, जब आप फ़ोन करोगे तो कहेंगे पहले मुझे 3,000-4,000 रुपये भेजिए, फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉडों से आपको बच के रहना है। अगर आपको IBS की दिक्कत है, अगर आपको भी पेट में दिक्कत रहती है, अगर आपका दिमाग ख़राब रहता है दोस्तों, तो पहले आप अपना पेट सही कर लीजिए, दिमाग अपने आप सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दिखाते हैं हम आपको वीडियो जो भाई ठीक होके आया है वहाँ से, उसके बाद में बताते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ चंद्र, मैं बनारस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों से जो बात शेयर करने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि हर कोई इस बीमारी से परेशान है। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। इस बीमारी का नाम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग आज बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो कई गैस्ट्रो और साइकाट्रिस्ट को दिखाते हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं आता। वो परेशान है डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर कि हम कहाँ दिखाएं, किसको दिखाएं, कैसे दिखूं, हमारी दुनिया ख़त्म हो गई है, अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा भविष्य तो ख़त्म हो गया शुरू होने से पहले ही। और जिस वजह से उनको सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। साइकेट्रिक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जिस वजह से आपका पेट ख़राब है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन, टेंशन लेने से पेट नहीं ख़राब होता है। पेट ख़राब होने की वजह से आपको डिप्रेशन, टेंशन है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ से मैं ठीक हुआ हूँ। IBS पेशेंट सिंस लास्ट 3 ईयर्स। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप मेरठ में एक चाचा हैं, वो आपको पैर में छल्ले पहनाते हैं। अब आप सोचेंगे छल्ले पहनने से IBS कैसे ठीक हो सकता है। तो मैं अभी पहले यही सोचता था कि छल्ले पहनने से IBS कैसे ठीक हो सकता है। मैंने YouTube पे आरिफ भाई का वीडियो देखा, उन्हें तकरीबन 7 साल से यह प्रॉब्लम थी। उन्होंने बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया, उन्हें कहीं आराम नहीं मिला। तो उन्होंने एक वीडियो डाला छल्ले का, जो उन्होंने मेरठ में चाचा से पहना हुआ था, तो उन्हें बहुत आराम मिला। वो आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उनका वेट भी गेन हो गया है। तो मैंने जब उनका वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा, यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए।
एक बार छल्ला पहन कर देखते हैं ज़्यादा। तो मैंने जब उनका वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए, एक बार छल्ला पहन कर देखते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। वैसे भी सब जगह मैं दिखा के हार चुका हूँ, तो मैं सोचा यहाँ भी दिखाने से क्या होता है। तो मैं उनसे कांटेक्ट किया, आरिफ भाई से। उन्होंने बताया कि आप मेरठ में जो चाचा हैं उनके पास जाइए, आपको IBS जो है नेवल डिस्प्लेसमेंट के कारण, नाभि हटने के कारण हुई है, नाभि आपकी सेंटर में आ जाएगी, आपका IBS ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझे राय दी, समझाया, तो मैं मेरठ गया। मैं जब मेरठ गया तो मैंने चाचा को कांटेक्ट किया, मैं उनके घर गया, तो उन्होंने मेरी नाड़ी पकड़ के चेक की, तो उन्होंने बताया कि आपकी नाभि हटी हुई है। तो मैंने कहा चाचा मैं नाभि तो बैठाता हूँ लेकिन बार बार नाभि हट जाती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके पेट में सूजन है और इन्फेक्शन है जिस वजह से नाभि नहीं बैठती है, जब मैं आपको छल्ले पहना दूंगा तो नाभि हटेगी नहीं, सेंटर में रहेगी, और धीरे धीरे 4-5 महीने में नाभि अपनी जगह सेंटर में बना लेगी और आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 2 महीने छल्ले पहने हो गया है, अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक है और मेरी नाभि सेंटर में आ चुकी है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग साइकेट्रिस्ट गैस्ट्रो के चक्कर में गुमराह मत होइए, अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, एक बार चाचा के पास जाइए, नहीं उनके पास जा सकते हैं किसी भी नाभि एक्सपर्ट के पास जाइए जो आपका नाभि बैठा सकते हैं। अगर नहीं है कोई नाभि एक्सपर्ट तो आरिफ भाई से कांटेक्ट करिए और चाचा का नंबर लीजिए और उनके पास जाइए, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। नहीं तो आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे ज़िंदगी भर, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, और आपकी ज़िंदगी जो है इसी तरह मझधार में फंसी रहेगी। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि समझदार बनिए, किसी यूट्यूबर के बहकावे में मत आइए कि ये माइंड का प्रॉब्लम है, पेट का नहीं है, ये पेट का प्रॉब्लम है ना कि माइंड का प्रॉब्लम है। ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ये भाई आज के 2 महीना पहले गया था मेरठ और 2 महीने में 100% ठीक हो चुका है, वेट उसका 40 किलो से 60 किलो हो चुका है और वो लगातार मेरे कांटेक्ट में है, मुझसे बात करता रहता है। तो दोस्तों आप भी यकीन करिए, अगर आपको भी IBS है, अगर आपको भी पेट में दिक्कत रहती है, लोग बताते हैं कि अगर आपको मानसिक बीमारी है, तो दोस्तों पहली बात तो आप ये मान लीजिए एलोपैथ वाले नाभि मानते नहीं हैं तो ये नाभि ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी नाभि सेंटर में लाना है, नाभि सेंटर में आने के बाद आपका IBS धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई दवा नहीं लेना है। आप मेरे पर विश्वास करिए, एक बार आप मेरठ जाइए, अगर मेरठ नहीं जा सकते तो कहीं से भी अपनी नाभि सेंटर में लाइए, कुल मिला के आपकी नाभि सेंटर में आके कुछ दिन रुकना चाहिए। अगर रुक गई अपने स्थान पर दोस्तों तो धीरे धीरे जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे शरीर में होने लगेगा, फिर अपना जो शरीर में जो मानसिक बीमारी हुई है जो आप बार बार उसकी सोचते हैं तो वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो खास करके जो YouTube पर जो फ्रॉड घूम रहे हैं उनसे बचिएगा, नहीं तो वो लोग किसी की फीलिंग को नहीं समझते और उनको सिर्फ पैसे से मतलब रहता है। तो दोस्तों आप लोग उनसे बचिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि हमें मेरठ जाना चाहिए, हमें हमारा इलाज वहीं से हो सकता है, दोस्तों मुझे भी IBS था, मैं 7 साल परेशान था और मेरा भी मेरठ से ठीक हुआ था, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कुछ। तो आप यकीन करके एक बार जाइए अगर आपको लगता है कि जाना चाहिए तो। दोस्तों इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों ने इतना झट धोखा खाया होगा कि दोस्तों IBS के पेशेंट को हर कोई ठगता है, मुझे भी ठगा था लोगों ने। मैंने दोस्तों अपने 7 साल की बीमारी में लगभग 10 लाख रुपये खर्चा कर दिया था, लेकिन ठीक एक छल्ला पहनने से हुआ था। तो आप अगर आपको जाना है दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देता हूँ, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, नहीं तो दोस्तों
मेरे वीडियो में आपको बाबा का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा, उनके पास चले जाइएगा, 400 रुपये चूल्हा पहनाने का लेते हैं, आपको छल्ला पहना देंगे, उसके बाद आप चले आइएगा, महीने 1.5 महीने में 2 महीने में आपका 100% ठीक हो जाएगा। दोस्त तो आप इसी ज़िंदगी में भटकते रहेंगे, कोई ठीक नहीं कर सकता। IBS मैंने 7 साल झेला, मुझे सब कुछ पता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, तो हमारे छोटे से चैनल देसी घरेलू ज्ञान को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए इससे जुड़ी हर समस्या का दोस्तों समाधान लाते रहें और आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।